भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण पर हमले की खबरें जैसे ही सामने आईं, हर तरफ हड़कंप मच गया। चंद्रशेखर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं, जिनमें से एक पेट को छूती हुई निकल गई। अब सामने आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण को हमले से करीब 4 दिन पहले जान से मारने की धमकी दी गई थी। सोशल मीडिया के माध्यम से ये धमकी मिली थी, आप भी सुनिए। तो एक बात बता दूं कि ये चंद्रशेखर रावण ये बेटा अमेठी उत्तर प्रदेश है, और जिस दिन तेरा इलाज करेंगे टंकी की चोट पर खुले या ये अमेठी के ठाकुर ही तेरा इलाज करेंगे। दौड़ा करना मारा ना तो अमेठी वाले ठाकुर कहलाना छोड़ देंगे, ठीक है ना चंद्रशेखर रावण, सुन ले। राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना के सैनिक है हम, और जिस दिन तुझे मारेंगे अमेठी में दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। और तू सबसे ज्यादा जातिवादी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं सभी भाई लोगों के बीच में, भगवान का छुआरा है, जिस तेरा इलाज करेंगे ये अमेठी के ठाकुर ही तुझे मारेंगे, समझे बेटा, औकात में आ जा। चंद्रशेखर रावण दो कोड़ी के लोग हो तुम लोग, समझे बात, आरक्षण के लिए मर जा रहे हो, अपने आपको योद्धा बताते हो, समझे बात। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर क्षत्रिय ऑफ अमेठी नाम से ये अकाउंट बना हुआ है, जिसके जरिए धमकी भरा ये वीडियो करीब 4 दिन पहले डाला गया था। इसके अलावा एक पोस्ट भी डाली गई थी, इसमें धमकी देते हुए लिखा गया था, चंद्रशेखर रावण को जिस दिन भी मारेंगे अमेठी के ठाकुर ही मारेंगे। धमकी के इस वीडियो और पोस्ट के सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस सोशल मीडिया अकाउंट के पीछे वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह की धमकी दी। साथ ही साथ चंद्रशेखर पर हमले के बाद भी एक नया पोस्ट किया, इसमें लिखा गया है, इस बार बच गए अगली बार नहीं बचोगे, यानी अगली बार का भी खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण पर सहारनपुर के देवबंद में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर जानलेवा हमला किया गया। गनीमत यह रही कि इस हमले में वो बाल बाल बच गए। भीम आर्मी के मुखिया पर हमला उस समय हुआ जब वो सहारनपुर के देवबंद में बहुजन मिशन मूवमेंट में भाग लेने जा रहे थे। चंद्रशेखर पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। हरियाणा नंबर की कार से आए हमलावरों ने चंद्रशेखर पर 4 राउंड फायरिंग की, गोली उनके पेट को छूती हुई निकल गई। फायरिंग में कार के शीशे भी टूटे। चंद्रशेखर को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस अब लगातार इस मामले में तफ्तीश कर रही है। खबर है कि पुलिस ने उस कार को भी बरामद कर लिया है जिससे हमला किया गया था, साथ ही 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। मगर इस सोशल मीडिया अकाउंट की धमकी के बाद पुलिस अब दूसरी दिशा में भी सुराग ढूंढने लगी है। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर इस हमले में घायल हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार गोली उनकी कमर के नीचे पेट के हिस्से को छूती हुई बाहर निकली है और वो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।